में पता नहीं किस चीज का बदला लिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कौमी आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं सुमेर गद्दी राजपूत। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बीएमसी और केएमसी की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन की हवा अब बंसरोड फूड स्ट्रीट तक जहां पहुंची। बंसरोड फूड स्ट्रीट और उसके इतराफ की गलियों में आज केएमसी और डीएमसी की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें हैवी मशीनरी ने हिस्सा लिया। फुटपाथों पर कायम घर और दुकानों को पूरी तरह मुस्मार कर दिया गया है। मुतासरीन का कहना यह है कि उनकी जो जगह तोड़ी गई हैं, जिन्हें मुस्मार किया गया है, वो कानूनी है, इलीगल नहीं, जिसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। ताहम केएमसी और डीएमसी ने होश के नाखून ना लिए और उन्हें तोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये ऑपरेशन गलत था या सही था, और उनके क्या मुतालबात हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब इन पर एक्शन लें। तजावुजात, ये जो इंक्रोचमेंट हो रही है, उससे पहले जो है इनको चाहिए ये था इनका अल्टरनेट देते और कुछ मंथ्स देते, कुछ महीने देते इनको, और ये जो इस तरीके से जो है इंक्रोचमेंट की जा रही है, ये आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये कोई दुश्मनी निकाली जा रही है आवाम के साथ। मैं ये कहता हूँ कि आवाम को अब एहतजाजन बाहर आ जाना चाहिए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, और इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये तो बैरूत बना दिया गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसराइल यहाँ पर आकर हुक्मरानी कर रहा है। इस तरह का जुल्म किया जा रहा है जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रो रही है वहाँ, और आवाम के दिलों से पूछो, और जो ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जो ये इंक्रोचमेंट की गई, उसके नतीजे में घर घर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं कि एक कमाने वाला बंदा जो है वो अपने घर में क्या लेकर जाएगा। अब वो अपने माँ बाप की जो है मकसद ये देखभाल करे, या अपने बीवी बच्चों की देखभाल करे। भाई भाई आपस में लड़ चुके हैं। इनको चाहिए कि ये जो है ना दूरअंदेशी से काम लें और सोचें गरीबों के बारे में जो ये कर रहे हैं इस वक्त। और मेरी गुजारिश यही है कि इसको फौरी तौर पर इस इंक्रोचमेंट को रोका जाए। डीएमसी के डिपार्टमेंट और मेयर कराची चीफ जस्टिस साकिब निसार से ये कहना है कि ये जो पूरे इंक्रोचमेंट हुई है, इसके लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अभी बच्चा ये हमारे पास अभी ही रिसेंटली हमने करोड़ रुपये की जायदाद परचेज करी थी, इसके लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। इनके आला अहदेदारान जो केएमसी के साथ आए थे, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखना तक गवारा नहीं करे और कहा कि हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, और हमारी जायदाद, हमारी सारी प्रॉपर्टी, हमारी इन्होंने सारी गिरा दी। केएमसी और डीएमसी को पूरे कराची, पूरे बंसरोड की कंडीशन तो नज़र नहीं आती। सारे मेल हॉल खुले हुए हैं, गटर भरे हुए हैं, मिट्टी धूल और इलाके की क्या हालत है। इनको इंक्रोचमेंट पहले नज़र आती है, इनको चाहिए था पहले सब्सिट्यूट पूरा फराहम किया जाए और नोटिस दिया जाए। इन्होंने आके अपना गुंडागर्दी दिखाई है, ऐसा कहाँ होता है, किस मुल्क में होता है? कोई नोटिस, कोई लीगल नोटिस हमारे को नहीं मिला, ना कुछ कहा गया, आए और तोड़ के चले गए। ना हमें ये टाइम दिया गया हम छटका डालें, हम खुद तोड़वा लें, कुछ नहीं किया गया। हमने बोला भाई हमारा कमर्शियल है, रेजिडेंशियल नहीं है, पेपर दिखाएं, सब कुछ दिखाएं। वो बोलना जाओ आगे अफसर को जाके दिखाओ, वहाँ से लेके आओ, फिर हम करेंगे। अब इतने में हम वहाँ जाएँ या फिर तो तोड़ चुके थे तब तक। इस तरह नाजायज़ नहीं करें किसी के साथ, किसी की मेहनत के पैसे किसी के साथ इतना नाजायज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग फुटपाथ वाले नहीं है क्या, फुटपाथ पे बैठ के हम लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, या फिर हम लोग रोड वाले हैं, हम लोग दुकान वाले हैं। भाई इस तरह नाजायज़ नहीं करें। इंक्रोचमेंट तोड़ने का ऑर्डर आया, किसी के जायज़ दुकानें तोड़ने का ऑर्डर नहीं आया किसी को भी। ये नाजायज़ हुआ है हमारे साथ, इसका अजाला कौन करेगा? फायदा क्या? ये केएमसी का नक्शा है हमारे पास, ये पेपर तो अखबार की तरह हो गए ना, इसका कोई फायदा ही नहीं है, तो देख ही नहीं रहा, किसी की बात ही नहीं सुन रहे, कोई गैर कानूनी काम थोड़ी। ये स्टैम्प देखें, ये हमारे हाथ की नहीं बनी हुई, ये पाकिस्तान बनने के टाइम पे जो कंस्ट्रक्ट हुई थी वहाँ पर ताले लगा के 1939 बंद करा हुआ इन्होंने, ताले लगा के 1939 के कंस्ट्रक्शन की बात तो सुने आप, कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। ये 90 आप डेट देख चेक करें, ये मेरे इस टाइम नहीं है, ये केएमसी कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन की बनी हुई है। 2 तारीख नवा महीना 39 ईयर, ये ऐसे ही थोड़े हमने बना दिया, हमारी पिछले माह ये रजिस्ट्री आई है। इन्होंने कैसे हमारे को अलॉटमेंट कर दी है, हमारी कैसे फाइल आ चुकी है? टाइम दिया तोड़ने का, ना कुछ किया और ऐसे आया तोड़ के चले गए। ये सीपी, हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर हम गलत हैं तो हमें बाहर कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। अगर हम गलत हैं, कोई भी गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर हमसे कानून करे हमारे साथ, हमारी अपील और गुजारिश है अगर हम गलत हैं तो हमें बाहर कर दिया जाए। ये सेल डीड देखें इसकी, मुख्तसर बात यह है, ये सेल डीड है, अगर किसी भी किस्म के पेपर हमारे पास ना हो, ये हमारे नाम में सब
आगे जाके दिखाओ इनको सील डीट वगैरह सब एक बार खोल कर दिखाओ। ये दिखा रहा हूँ, ये सील डीट है भाई। अगर मैं उनसे कह रहा हूँ तुम्हें खुदा को जान देनी है नहीं देनी, पेपर तो चेक कर लो, अगर हम कुछ गलत है तो हमें बाहर कर दो, हम खुद बाहर आ जाएंगे। तरह से देख लो, इतनी बात मैंने उनसे कही नहीं भाई, कहना नहीं हमें कुछ कहना नहीं, बाहर आ जाओ। मार कुटाई पे आ गए भाई, हमने कहा हम मर जाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से। बस इनका कहना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ये यही कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे हमारी लीगल दुकानें तोड़ देंगे, लीगल मकानों को तोड़ेंगे लोग, लोगों को बेघर कर दिया है। इंक्रीमेंट का बोले कुछ ने पहले ठेले वालों को, ठेले वालों को सबको फोन करके बता देते भाग जाओ। सुप्रीम कोर्ट का कोई नोटिस ही नहीं है, जैसे नोटिस तो आता है, नोटिस भी नहीं दिया आपको, किसी किस्म का नोटिस नहीं, कोई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया भाई। आए तो हम बात करें ना, ये हमारे पास पेपर है, नोटिस किस चीज़ का दोगे हमें, हमने लिख के बाकायदा लगाया हुआ दिखा रहे हैं, कह रहे नहीं भाई हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, हम तोड़ेंगे। एमसी और केएमसी इंक्रोचमेंट इदारे, 20 इंक्रोचमेंट इदारे, उनका कहना ये है कि मास्टर प्लान जब होता है, इसका मास्टर प्लान ही नहीं है, ये तो है ही नहीं कहीं, ये तो मेरे पास तो हर चीज के डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज के भाई, ये तो हिंदुओं के जमाने की नहीं है, हिल नहीं रही अपनी जगह से। ये ऊपर भी जरा कैमरा दिखा दो भाई, इसको जरा देख तो लो, बिल्डोजर मारे ऊपर, ये गिर नहीं सकी, ये पुराने जमाने की छत डली हुई है यार। केएमसी को ज्यादा थी ना, केएमसी का है ही नहीं था, तो असल बात तो यही है ना, केएमसी को ज्यादा होनी चाहिए इस चीज की, केएमसी का है नहीं, ये है ही नहीं केएमसी का प्लाट, ये केएमसी का प्लाट ही नहीं है, ये तो हमने सेटलमेंट से लिया है, ये तो उस वक्त है जब जब ये बोला था कि जो जो काबिज है वो उसको ये अलॉट कर दी थी। भाई मेरी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, बस अल्लाह की आवाज बेलाठी है बस भलाई के लिए। लेकिन आप घर लोगों का घर तबाह कर रहे हैं एक फुटपाथ को बड़ा करने के लिए, तो घर ज्यादा अहम है, लोगों के रोजगार ज्यादा अहम है या फुटपाथ पर चलना ज्यादा अहम है? तो फिर ये मदरसे क्यों तोड़ रहे हैं, ये स्कूल क्यों तोड़ रहे हैं, ये रिहायशी इलाके क्यों तोड़ रहे हैं? और दूसरी बात ये कि अगर वो इन नाजायज चीज़ों को तोड़ना भी चाहते हैं तो उनको कोई और कंपनी बना के वहाँ मुलाजमत दें, वो क्या करेंगे बेचारे, अपने घर वालों को कैसे पालेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? नहीं हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं कहा गया हमें। मशीन लेके आ गए यहाँ से 1-2-10 मिनट पहले गुजरते हुए कि अपना मदरसा खाली करवाएं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने जल्दी जल्दी बच्चों को घर भेजा कि कहीं उनके जानों की वो ना हो जाए, उनकी जाने जो है वो उसमें ना आ जाए। ये सन का तरीका नक्शा जो लेके घूम रहे हैं, उसके बाद जो लीज दी गई है गवर्नमेंट ने दी है ना, पब्लिक ने तो नहीं दी, उन्होंने लीज क्यों दी, उसके पैसे भरे, उसके पैसे भरे, चलान भरे, केएमसी ने लीज की, तो उसको आज क्यों नहीं मान रही, उसको मानना चाहिए, जब लीज ना देते जो उन अफिसरों को बुलवाएं जिन्होंने लीज दी है, जो कानूनी कार्रवाई हो उनके ऊपर। अच्छा गरीब आवाम ने पैसे भरे, सब चीज किए, चलान भरा, आज सन 71 का नक्शा लेके आप घूम रहे हैं, 85 की लीज है, 90 की लीज है, 95 की लीज है, 2000 की लीज है, क्यों दी गई? इनका कहना यह है कि चीफ जस्टिस के अहकामात पर ही ऑपरेशन किया जा रहा है, तो वो चीफ जस्टिस को पता गया है, ये इनका एक मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान तो है, लेकिन मास्टर प्लान के बाद गवर्नमेंट के महकमे ने लीज दी, अदारे ने लीज दी, इन्होंने चलान भरे, फिर क्यों तोड़ रहे हैं? लीज ना करते, ना लीज करते, ये लोगों को, गरीबों को, आवाम को तंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के इलम में ये नहीं है कि यहाँ पे क्या चक्कर है, चीफ जस्टिस को चाहिए आए खुद विजिट करे, 50-100 साल से जो लोग लीज लेके बैठे हुए हैं, वो तो चीफ जस्टिस के इलम में ये तो नहीं है ना, उसने बोला रोड खाली करो, फुटपाथ खाली करो, इन्होंने सब तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों ने घर तोड़ना शुरू कर दिए, मल्ले तोड़ना शुरू कर दिए, सारी चीजें तोड़ना शुरू कर दी, ये ऐसा थोड़ी है। केएमटी की अपनी गाड़ियां माल भर के लेके जा रही हैं, केएमटी की अपनी गाड़ियां माल भर के लेके जा रही हैं, इनके खुद गाड़ियों की जगह ही नहीं है, इनको बोले इन्हें कपड़े कागज दिखा रहे हैं, सब कुछ नहीं देख रहे, बोले बस इन्हें तोड़ना है, हमें तो तोड़ना है, क्यों तोड़ रहे हैं? ये कह रहे हैं हमें तोड़ना है, बस हमें तोड़ना है, अदारे ने लीज की, हमने तो मुतसिब से केस जीते, मुतसिब ने कहा तुम्हारी दुकान है ये, लोगों के साथ जो हो रहा है, जो नाजायज हो रहा है, इतनी आवाम खड़ी हुई है, सब रोडों पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो इसका भी कोई लबे लबाब होना, ये कोई नया पाकिस्तान है, कोई नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है, तब्दीली ला गई, 60 साल पुरानी दुकान है हमारी। आपके मुतालबात क्या है? हमारे मुतालबात है, लीगल दुकान है, हम क्यों तोड़े? इंक्रोचमेंट हुए, ठेले थे, उनको पहले फोन करके बोल देते तुम भाग जाओ, सब फोन करके उनको बोलते तुम सब भाग जाओ, उनको फोन करके बोलते तुम चले, सबको भगा दिया और आके दुकानें तोड़ रहे हैं हमारी। केएमसी और डीएमसी की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ किए जाने वाला ऑपरेशन बंसरोड और उसके इतराफ की गलियों में जहाँ पहुँचा, जहाँ पर लोगों की फुटपाथ पर बनी दुकानें और घर भी मुसमार कर दिए गए, जबकि मुतासरीन का कहना यह है कि उनके घरों पर बिल्डोजर चलाकर उनके घर की चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। ताहम अहले इलाके की मुजाहमत पर अभी ऑपरेशन रोक दिया गया है। कैमरामैन सरताज अली के साथ सुमेर गद्दी राजपूत, कौमी आवाज़ न्यूज़ कराची।